नेक्स्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा हम समझते हैं किस तरीके का है, क्या है। देखिए अगर हम लोग कोई एक लिक्विड कंसीडर करें, हाँ इस तरीके से, और इसका एक इमेजिनरी सेक्शन हम लोग एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, समझ रहे हैं। सपोज कोई सा भी ये इस तरीके से ऐसा ऐसा ये है, हाँ ये हमारा एक इमेजिनरी सेक्शन ऑफ लिक्विड है। क्या बोल रहे हैं, सेक्शन ऑफ लिक्विड। तो आप बताओ कि इसका मास जो होगा वो बिल्कुल नीचे की तरफ होगा, और किसका मास, लिक्विड का, बिल्कुल हाँ। अगर हम लोग इसको लिखें तो इसका मास ऑफ लिक्विड इनटू जी नीचे की तरफ इतना लग रहा होगा, हाँ अगर हम लोग इसको अलग से लिखें ये, तो इस पर एक जो फोर्स है वो मास ऑफ लिक्विड इनटू जी ये नीचे की तरफ लग रहा है, हाँ। नाउ आप बताओ कि ये लिक्विड इमेजिनरी हम लोग अगर वहां एज्यूम करें तो ये तो अपनी जगह पे है, तो इसका जो सराउंडिंग है इधर से इधर से इधर से इधर से ये सब मिला के, हाँ जी अगर मैं बोलूं तो इसको बैलेंस कर रखा है ना, हाँ बिल्कुल। तो अगर एफ ये अगर हम लोग इधर से इधर से इधर से इधर से ये एफ लिक्विड जो है वो मिला के आपका नेट आएगा इस तरीके से, एफ लिक्विड नेट, हाँ, सो दैट कि ये यहीं अपनी पोजीशन पर रहे। यस इन इक्विलिब्रियम जो एफ लिक्विड है नेट वो मास ऑफ लिक्विड इनटू जी होगा, हाँ होना चाहिए ना। और इसी को हम लोग आगे चल के बोलते हैं एफ लिक्विड जो है नेट वो मास ऑफ लिक्विड दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम, हाँ जी रो वी जी। ध्यान से ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड और ये है एफ लिक्विड नेट, हाँ जी। नाउ अब करते हैं क्या कि अगर ये हाँ लिक्विड ना होके कोई और ऑब्जेक्ट होता, राइट, अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ दिस ऑब्जेक्ट इज समथिंग कुछ और, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, हाँ फॉर एनी ऑब्जेक्ट, तो ये सराउंडिंग तो वैसा ही है, तो सराउंडिंग जो है वो आपका मिला के ये इस तरीके से फोर्स लगाएगा कि वो आपको नेट ये हाँ वो तो एज इट इज है। और इफ लिक्विड जो है ना नेट वो आपका उसी के बराबर आएगा, दैट इज रो लिक्विड वॉल्यूम लिक्विड एंड जी। नाउ
अब अगर ये ज्यादा है ये नीचे जाएगा, अगर बराबर है हाँ फ्लोट करेगा। ये चीजें होती हैं जो यहाँ पर ये सब लिखा गया है ना, यही हमारा एक अपवर्ड थ्रस्ट होता है, दैट इज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड एंड अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट विच इज इक्वल टू मास ऑफ क्या डिस्प्लेस्ड लिक्विड। हाँ समझे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है जो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स। हाँ है ना, इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड नोन एज क्या बायंट फोर्स। हाँ जी बिल्कुल, या बायंसी फोर्स। हाँ देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, लिखते हैं बिल्कुल यही सब बात है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली समर्ज्ड इन अ लिक्विड देन एन अपवर्ड थ्रस्ट थ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। हा नोन एज बायंसी फोर्स, चाहे तो हम इधर लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। है ना, नोन एज बायंसी फोर्स। बिल्कुल हाँ ना, बायंसी फोर्स। अब देखिए अगर कोई ऐसा होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा हो या नहीं होता, थोड़ा सा हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा है तो इस पर जो अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा वो इतने ही पार्ट तक के लिक्विड के बराबर लगेगा, ये और इसी के कोरस्पोंडिंग अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा जिसको कि हम लोग बायंसी बोल रहे हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड इनटू जी, बाद बाकी इसका जो भी मास है आप लिख सकते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। नाउ अगर ये इस तरीके से है कि ये पूरा का पूरा अंदर है,
तो भी इस पे अपवर्ड थ्रस्ट जो लगेगा एफ बायन सी वो आपका यही होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। सिंस पूरा है तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो जाता है, लेकिन ये ध्यान से समझे कंप्लीटली सबमर्ज्ड में समझे। और ऑफकोर्स इसका जो वेट है वो तो नीचे लगेगा ही लगेगा राइट। नाउ इन आइदर केसेस ये आएगा ही आएगा। और क्या बोलते हैं कि उस लिक्विड के अपेरेंट वेट में कमी आती है विच इज ये। नाउ इसको दोबारा अगर स्टेटमेंट वाइज लिखें तो लिखते हैं बायंसी फोर्स एंड द अपेरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजेस बाय बायंसी फोर्स। हाँ जी नाउ जीरो भी हो सकता है एज फ्लोटिंग हो जाए पूरा नीचे ऐसे। तो हम लोग इसके एक दो जो सिचुएशंस हैं उनको हम एलोबरेट करते हैं क्या क्या लिखते हैं। फ्लोटिंग अगर मैं लिखूं कंडीशन फॉर फ्लोटिंग तो कंडीशन फॉर फ्लोटिंग का तो डायग्राम वाइज तो हमने ड्रॉ करा है और आई होप कि कोई दिक्कत तो होना भी नहीं चाहिए। कंडीशन फॉर फ्लोटिंग यही कि कुछ ना कुछ पार्ट तो उसका ऊपर होना चाहिए। हाँ और इस पर जितना भी इसका वेट लग रहा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी और इस पर एक लगेगा अपवर्ड थ्रस्ट जो बायंसी हम लोग बोल रहे हैं जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड ध्यान से इतना ही है यही आएगा और इनटू जी है तो जी। हाँ जी है ना यही है हमारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड। नाउ अगर फ्लोट कर रहा है तो आपका बायंसी फोर्स बराबर होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू जी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। हाँ बिल्कुल। नाउ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है लिक्विड से या बराबर किसके लिए। हाँ फॉर फ्लोटिंग बिल्कुल। है ना तो दिस इंप्लाइज कि जी से जी तो कैंसल प्रोडक्ट अगर बात करोगे तो दिस इंप्लाइज कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होना चाहिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। और मैथमेटिकली ये है फ्लोटिंग का क्या रो एल वी एल इक्वल्स टू रो ऑब्जेक्ट वी ऑब्जेक्ट ये। हाँ जी बिल्कुल। नाउ तो ये डेंसिटी वाइज रिलेशन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है ऑब्जेक्ट से तभी फ्लोट करेगा। नाउ अगर इन दिस केस हम लोग अपेरेंट वेट की बात करें
तो वो आता है हमारा नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू आपका जीरो। यहां पर वेइंग मशीन अगर हम लोग रखेंगे तो उस पे नॉर्मल क्या आएगा, बिल्कुल जीरो। हाँ जी, नॉर्मल, और आप लिखोगे तो वो आ जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी माइनस एफ बी इक्वल्स टू नॉर्मल, और ये तो दोनों बराबर है जीरो। तो एपरेंट वेट जो आएगा वो आपका जीरो आएगा, राइट। नाउ कंडीशन फॉर सिंक, अगर वो नीचे की तरफ सबमर्ज्ड हो जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? है ना, ठीक है। नाउ अगर आप लिखोगे कि रेशियो कितना इनसाइड है, तो यही आपका आ जाएगा इन वाला, यही है वी इन। हाँ, तो अगर लिखेंगे वी एल बाई वी नॉट इक्वल्स टू रो एल, तो यही आपका वी इन बाई वी नॉट है। तो वी इन साइड अगर लिखेंगे तो रो नॉट बाई रो एल इंटू वी नॉट, ये वॉल्यूम जो है इतना अंदर है, या आप इसको भी याद सकते हो वॉल्यूम इन साइड द लिक्विड। हाँ जी, बिल्कुल उसका रेशियो। एनीवे, सिंकिंग की अगर कंडीशन लिखी जाए और उस केस में आप एपरेंट वेट की बात करें तो भी देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट, तो ऐसा है कि सिंक होने के लिए तो ऑब्जेक्ट को तो आपको अंदर में जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बायंसी फोर्स से ज्यादा होना भी चाहिए। हाँ, एज कुछ एक्सेलरेट हो, लिख सकते हैं। है ना, तो अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है ऑफ कोर्स ये नॉन जीरो। हाँ, एनीवे यही केस सिंकिंग बोलते हैं। नाउ तो सिंकिंग के लिए ये चाहिए अपने को कि एम नॉट जी बड़ा हो जाए बायंसी फोर्स से, बिल्कुल। तो फॉर सिंकिंग अगर अपन लिखें तो ये आ जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी बड़ा होना चाहिए बायंसी, हाँ, या ज्यादा ज्यादा बाया। अगर कंप्लीटली इनसाइड है तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी बड़ा या बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड होता तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। नाउ सिंस कंप्लीटली इनसाइड है तो ये बराबर होगा, हाँ होगा, बिल्कुल कंप्लीटली इनसाइड। बिल्कुल उतना ही, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा। तो अगर पहले तो जी से हाँ कैंसिल कर दीजिए, और ये भी आपका कैंसिल ही हो जाएगा, और आपका रो नॉट ज्यादा होना चाहिए लिक्विड से, तभी आपका सिंक हो पाएगा। नाउ अगर मैं बात करूं एपरेंट वेट का, तो यही आपका एपरेंट वेट है जितना आपका नॉर्मल आएगा वेइंग मशीन। हाँ जी, तो जो आप नॉर्मल लिखोगे लिख लो,
हाँ, तो फॉर अपेरेंट वेट, ओके, एंड इन दिस केस अपेरेंट वेट विल बी नॉर्मल, हमेशा है ना. एंड अगर लिखें तो यही हमारा नॉर्मल होता है. और अगर आप लिखोगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस बायंसी फोर्स इक्वल्स टू नॉर्मल आ जाएगा. हाँ बिल्कुल, अगर आप बेस के लिखें और नॉर्मल की वैल्यू रो नॉट वी नॉट जी माइनस रो एल वी एल इंटू जी. हाँ, एंड सिंस वी एल इक्वल्स टू वी नॉट है कंप्लीटली, तो आप रो नॉट वी नॉट जी कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बच गया वन माइनस रो एल बाई रो नॉट, यही बचेगा. हाँ, और इसी को हम लोग एम डैश जी बोल देते हैं, तो ये एम जी इंटू वन माइनस रो एल बाई रो नॉट. जी से जी कैंसिल भी कर सकते हैं, यही हमारा नॉर्मल है. हाँ जी, अपेरेंट वेट तो आ गया, यही है. और एम एम डैश जी लिख लो या एम बी लिखोगे तो वही आ जाएगा, एम वन माइनस रो एल बाई रो नॉट. हाँ जी, या यही हमारा अपेरेंट वेट है. ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ और हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का अप्लीकेशन देखते हैं.